क्या हर तरफ होंगे रोबोट ही रोबोट? क्या दुनिया से हो जाएगा इंसानों का खात्मा? साइंटिस्ट ने जताया एआई का डर। विल एआई किल ह्यूमंस? वेल, ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा। एआई धीरे धीरे हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल का हिस्सा होता जा रहा है। जिस तेजी से इसका विकास हो रहा है, कोई और नहीं बल्कि साइंटिस्ट को ही एआई का डर सताने लगा है। साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में एआई इतना चालाक हो जाएगा कि वह इंसान को धोखा दे सकता है। यहीं पर सवाल उठ रहा है कि क्या जरूरत पड़ने पर एआई इंसानों का खात्मा भी कर सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल आज दुनिया भर के तमाम टेक्नोलॉजी में होता है। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में खुद एक टेक्नोलॉजी है। इसका यूज स्मार्टफोन के कैमरे से लेकर मशीन लर्निंग तक में हो रहा है। हमारे चारों तरफ एआई किसी न किसी रूप में मौजूद है। ये लोगों की डे टू डे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, कई एक्सपर्ट इसे लेकर दुविधा में हैं। क्या आपने टर्मिनेटर मूवीज देखी है? 1990 के दशक में आई इस मूवी सीरीज में एआई की उसी दुविधा को दिखाया गया है जिसका लोगों को आज डर सता रहा है। क्या हो अगर किसी सुबह आप उठे और एआई ने दुनिया पर कब्जा कर लिया हो? इस तरह के स्पेकुलेशन सडनली नहीं लगाए जा रहे हैं, ऐसा सोचने वाले टेक्नोलॉजी सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और गूगल डीप माइंड के रिसर्चर्स का एक पेपर पिछले महीने एआई मैगजीन में पब्लिश हुआ है। इस पेपर में एआई रिस्क पर चर्चा की गई है। रिसर्चर्स ने बताया है कि किस तरह से एआई मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। धोखा देना सीख जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है। ये सिस्टम दो क्राइटेरिया पर काम करता है। पहला, इनपुट डेटा के आधार पर एक पिक्चर तैयार करता है, जबकि दूसरा पार्ट परफॉर्मेंस को ग्रेड करता है। रिसर्चर्स का कहना है कि एडवांस एआई बेईमानी करना सीख जाएगा। बेहतर रिवार्ड पाने के लालच में एआई इंसानों को धोखा दे सकता है, और इस ऑर्डर में एआई इंसानियत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माइकल के कोहेन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि अनकाउंटेबल रिसोर्स वाली दुनिया में कब क्या हो जाए बताया नहीं जा सकता। वहीं सीमित रिसोर्स वाली दुनिया में कॉम्पिटिशन होना जस्टिफाइड है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ कॉम्पिटिशन में हैं जो आपको हर कदम पर चालाकी से मात दे सकता है, तो आप जीत के बारे में सोच भी नहीं सकते। सच हो जाएगा एक्सपर्ट्स का डर। आसान भाषा में समझे तो मान लेते हैं कि किसी दिन एआई को हमारे लिए खाद्य पदार्थ उगाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो पॉसिबल है कि एआई ऐसा नहीं करने का कोई तरीका ढूंढ ही लेगा और अपना रिवॉर्ड भी हासिल कर लेगा। कोहेन ने अपने पॉइंट में यही कहा है कि हमें इतना एडवांस एआई विकसित नहीं करना चाहिए जो हमें मात दे सके। हॉलीवुड की मूवी में भी ऐसा ही दिखाया गया है। आवर फ्यूचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर प्रेजेंट। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान की कल्पनाओं का रूप होता है। आज हम स्मार्टफोन या दूसरी कई ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं जिनके बारे में कभी न कभी कल्पना की गई थी। ऐसे में किसी दिन हमारा मुकाबला अपने क्रिएट किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हुआ तो शायद अंतिम परिणाम हमारे पक्ष में ना हो। वैसे विल एआई किल ह्यूमंस, ये सवाल या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।